रोहतक विधानसभा से विधायक बने पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा ने दावा किया कि रोहतक और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में ओबीसी समाज के लोगों की जिस हिसाब से संख्या है उस हिसाब से समाज को लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर वे हरियाणा प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया और छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा से मुलाकात कर चुके हैं और उनको सारी स्थिति से अवगत करवाया गया है तथा जल्द ही वे पार्टी के सांसद राहुल गांधी से भी मिलेंगे। पूर्व मंत्री गोहाना में विश्राम गृह पर आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा में ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व अधिक मिला तो आज अनेक विधायक और सांसद लोकसभा और विधानसभा में विराजमान है। मेरा तो बहुत पुराना संबंध गोहाने से रहा है, तो मन में आया कि आप लोगों को भी मिले और कुछ इश्यूज, क्योंकि आजकल राजनीतिक गतिविधियां बड़ी वक्त के हिसाब से बदल रही हैं, तो मैं कई दिनों से देख रहा था और कल भी लोकसभा के अंदर हमेशा जी ओबीसी का इशू उठा रहे थे, कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी भी ओबीसी क्लास से संबंध रखते हैं। तो आज हमारे आने का मकसद ये था, इससे पहले भी मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात कही है कि जो ओबीसी को मिलना चाहिए वो पिछले कई वर्षों से नहीं मिला, और चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे कॉरपोरेशन में चेयरमैनी की बात हो, चाहे टिकटों के वितरण की बात हो, विधानसभा की बात हो, चाहे लोकसभा में जाने की बात हो, ये ओबीसी वर्ग जो है ये बुरी तरह से साइडलाइन बैकफुट पर रखा गया। 3 स्टेटों में इनकी जीत दर्ज हुई है, तो एक चीज़ बड़ी सामने आई है कि जो तुरंत प्रभाव से एक लोगों को ये जग जाए कि ये लुभावनी बातें, ये एकदम वोट बैंक लेने के लिए ये चीज़ें जो करते हैं, उनको लोगों ने बड़े बुरी तरीके से रिजेक्ट किया है, उसको नकारा है। तो आज हम जो यहाँ आए बैठे हैं, मैं तो आपको, मेरा तो परिचय है ही कि मैं तो पंजाबी समाज से अलग रखता हूँ, मंत्री रहा हूँ, संगठन में मेरा 17 साल जिले का प्रधान रहा हूँ, प्रदेश का महामंत्री रहा हूँ, AICC का मेंबर रहा हूँ, और मैंने ये सारे दौर देख रखे हैं, और मैं पंजाबी समाज की भी बात करता रहा हूँ। आज मैं जिस पर्पज़ के लिए आया हूँ, आज हमारे बीच में अनिल सैनी जी हैं जो ऑल इंडिया ओबीसी सेल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, यूपी के प्रभारी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके ओबीसी क्लास की लड़ाई लड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेन मुद्दा है कि रोहतक और सोनीपत दो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, और ये दोनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 से 7 लाख तो वोट है रफली रोहतक में, और 5 से 6 लाख वोट है सोनीपत, और दोनों सीटों पे कभी भी ओबीसी से संबंध रखने वाले किसी को भी टिकट नहीं दिया गया, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन मैं कहने में कोई गुरेज नहीं करूँगा कि कांग्रेस ने भी कभी ओबीसी से संबंध रखने वाले कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। मैं ये आज कहने के लिए आया कि अगर पंजाबी और ओबीसी ये कलेक्टिवली एकजुट हो जाए, 2/3 वोटों पे प्रभाव रहा, ये अच्छी बात है। राहुल जी जो बात कह रहे हैं अच्छी बात है। अब आप देखना लोकसभा के चुनाव में ये जो रिजल्ट अब आया है ना, जो तीन स्टेट, अब आप उनकी परसेंटेज निकाल के देखो कितने वोट इनको तीनों स्टेटों के अंदर मिले हैं। तो लेट अस सी लोकसभा के चुनाव में असली रिजल्ट आपके सामने आए। इसीलिए ये अब रोज अखबारें मैं भी पढ़ रहा हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जी प्रधानमंत्री को मिले हैं, विधानसभा के चुनाव साथ करवाए जाएं, करवा लें, विधानसभा के चुनाव भी करवा लें। मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ, ये लोकसभा के रिजल्ट इनसे बिल्कुल विपरीत आएंगे,
और विधानसभा के अंदर तो आप उनकी हालत देख रहे हो। ये जो प्रधान बदलने की बात कर रहे थे बीजेपी की, आप बीजेपी की कर रहे, अपनी पार्टी की भी बता दो। हमारी पार्टी की, हाँ, एक एक शैलजा थी अगर लगातार, उसको हटा के उदय भान को बना दिया, उसका कितना फायदा मिल रहा है आपको? साल भर हो गया ना, हाँ, तो फिर अब नहीं बदलेंगे हम, बदलेंगे फिर क्यों बदलेंगे जी? ये आप कह रहे हो ना, आपकी स्पेकुलेशन है ना, पर्सन है मेरा, नहीं आप देखना, यही सिस्टम रहेगा हमारा। हम इलेक्शन के मद्देनजर नहीं करते हैं। अगर शैलजा बहन जी को हटाया है तो वो वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, अब भी उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। हम इलेक्शन के मद्देनजर कोई काम नहीं करते हैं, ये बीजेपी का काम है। बीजेपी ने 4 महीने पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी को हटा के नायब सैनी को बनाया, ये तो सबको पता है कि क्यों बनाया है, इसलिए ओबीसी इशू को कैश करने के लिए, इसके अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास। तो इन जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ उसका असर हरियाणा की राजनीति में किस तरह से दिखाई देगा? देखिए अभी तो असर कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे लोगों की मेमोरी जो है एकदम वो करती है, लेकिन आप 15 दिन बाद जो आज माहौल है फिर आपको वही माहौल सामने नजर आएगा, कोई नहीं इलेक्शन आने दो। इस दौरान उनके साथ AICC के अनिल सैनी ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। जो OBC के बारे में अभी ये बहन जी भी चर्चा कर रही थी, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, 1 नवंबर 1966 से लेकर आज तक OBC इतनी बड़ी फोर्स को सभी राजनीतिक दलों ने, इवन कांग्रेस भी उसमें रही है, क्योंकि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस में सक्रिय भूमिका में हम काम करते रहे हैं, कि कांग्रेस ने भी जब हमारी बातों को नहीं सुना तो अब चूँकि चुनाव सिर पे आ गया है तो हमारे राइट्स की बात सुभाष बत्रा जी ने उठाई, हमने भी अपनी बातें रखी। रोहतक और सोनीपत में से एक OBC को सीट मिलनी चाहिए, हमने सोनीपत पे क्लेम किया। अगर पार्टी हमारे को चुनाव लड़ने का मौका देती है तो आपका चुनाव का परिणाम आप लोगों के सामने ही है। 6-7 लाख वोटर सोनीपत लोकसभा में पिछड़े वर्ग का है, इतने बड़े वोटर को जो दरकिनार किया गया, आज उसका खाजियाम्मा जो पार्टी पिछले 10 साल से हम राज में नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो पार्टी में हमारी में भी कमियाँ रही हैं। और एक वर्ग को आगे लाने के लिए आज पूरे प्रदेश में OBC समाज में, अब पहले वाली तो बात रही नहीं, अब तो सारा समाज जागृत है, समाज को अपने राइट्स के बारे में पता लग गया है कि समाज जब तक विधानसभा और लोकसभा में नहीं जाएगा, जब तक हमारे समाज की तरक्की और विकास नहीं हो सकता। लोकसभा में लोगों को चुन के भेजा है, अब कितना विकास किया वो तो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी की तो पॉलिसी है कि फुद्दू और बेवकूफ़ बनाओ और राज करो। जब मोदी 2014 के चुनाव में, जब ये पूरे देश में जब मोदी की सरकार आई और हरियाणा में सरकार बीजेपी की बनी, इन्हें कहा था कि हम करोड़ों लोगों को रोज़गार देंगे, कहाँ है वो रोज़गार? पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी ने तो इस प्रदेश के भाईचारे को तार तार कर दिया। क्या पीछे आपके सामने ही थे जो दंगा फसाद हुए थे, जो आरक्षण के नाम पर क्या था, वो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टियाँ फूंक दी गई। एक UP का नेता पकड़ा था, एक हरियाणा का पकड़ा था, जो आपसी हमारी बोलचाल तक इन्होंने बंद करा दी थी। भारतीय जनता पार्टी तो जात कास्ट लाइन पे तो काम ही करती है, इन्होंने यहाँ जाटों को मुसलमान बना दिया, आपके सामने ही तो था सारा। तो कांग्रेस एक ऐसी सेकुलर पार्टी है जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं, जहाँ सबका मान सम्मान है। हम उस पार्टी में रह के अब अपने राइट्स की बात कर रहे हैं कि हमारे को राइट्स मिलना चाहिए, हमारी इतनी आबादी है, हमने हर लोकसभा में 9 विधानसभा सीटें हैं, हमने हर लोकसभा में 4 OBC के लिए सीट मांगी विधानसभा की। हम मांग तो कर सकते हैं कि 4 हमें लोकसभा की सीटें मिलनी चाहिए। रोहतक सोनीपत में से हमारा सोनीपत पे क्लेम बनता है। मेरी बात को क्लियर करें, विकास और भला, आपने कहा अभी बीजेपी विकास नहीं करती, लेकिन लोकसभा में विधानसभा में नुमाइंदे भेजे भला करने वाली, उन लोगों ने अब ये नायब सैनी जी को इन्होंने जो तुरंत का पत्ता फेंका है अभी कास्ट लेवल लाइन पे, अब इस नायब सैनी जो पहले विधायक बन के मंत्री बनाया था, मंत्री बन के इसने कितना काम किया है,
पीछे भी सांसद ही है, सांसद रहते हुए क्या काम कर लिया समाज का। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से सारिका नरवाल की रिपोर्ट।